ओ माय गॉड, इतने सारे ह्यूमन एक साथ, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। ये एक्चुअल रियल है, ये कंकाल देख रहे हैं आप सामने। डरना नहीं है, म्यूजियम के अंदर में ये चीज़ है, गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई। इसके गेट पे खड़ा हूँ और ये अद्भुत नज़ारा आप देख पा रहे हैं इसके गेट पे खड़े होकर के। जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ये डायनासोर और ये सब चीज़ें बनी हुई है, पत्थर की है, शायद पत्थर की ही होगी, और खूबसूरत है, अपने आप में एक अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और इसके अंदर हम आपको लेकर चलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे हर एक एक चीज को। गाइज, ये कौन ने मारा, पब्लिक लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी इसी म्यूजियम के अंदर स्थित है जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ से आपकी मेन एंट्रेंस है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उस मेन एंट्रेंस से आप अंदर चले जाइए, एक लॉग बुक मिलेगा, वहाँ पे अपना डिटेल्स डालिए और जा सकते हैं। ठीक इसके अपोजिट में कुछ लोग बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, कुछ रिलैक्स कर रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छा कूल एक इन्वायरमेंट है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही इसके अंदर में आप इंटर करेंगे, गेट पे एक लॉग बुक रहेगा, आप अपना नाम डालिए, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालिए, डिटेल्स डालिए और आप इंटर कर जाइए लाइब्रेरी के अंदर में। इस पर किसी तरह का कोई फी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ये बिल्कुल पब्लिक के लिए है। दोस्तों, अब हम बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं। ये ट्रेडिशनल कस्टम्स ऑफ इंडिया, इसमें कुछ कस्टम्स बने हुए हैं, कुछ ड्रेसिंग सेंस है जो इंडिया की कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बगल में छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बेल्जियम, सभी जो कंट्रीज हैं जो आउट ऑफ इंडिया, कंट्री वाइज सबको इंडिकेट किया हुआ है वहाँ के, उनके ड्रेसिंग सेंस को, उनके कल्चर को वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, तो आप देख सकते हैं। और एक्चुअली शेक हो रहा है मोबाइल, यहाँ पे अलाउ भी नहीं है को वीडियोग्राफी करना, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जर्मनी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। जब भी आप जाएंगे तो इस जगह को, इस स्पॉट को देखना नहीं भूलिए। जैसे उसके नीचे आएंगे, ये प्रिंटिंग प्रेस है, ये प्रिंटिंग प्रेस है, कोलंबियन प्रिंटिंग प्रेस है, ये बहुत ही पुराना है, कई सदी पहले का है ये, तो ये ऐसा दिखता था। म्यूजियम में ऐसी चीज़ें ही होती है जो हमें कहीं ना कहीं हमारे पास्ट में लेकर जाता है, हमारे हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो उस ज़माने में कैसे हुआ करता था, प्रेसिंग मशीन कैसी होती थी, ये चीज़ है। फिर हम आ जाते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वही चीज़ है। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कुछ है, यहाँ पे होल्स हैं, बहुत सारे ह्यूमन स्कल्स के अंदर होल्स है, शायद उनको गोली लगी है, कैसे है, क्या है। देखिए आप, यहाँ पे होल्स बने हुए हैं, मैक्सिमम स्केल्स खोपड़ी के अंदर मैंने देखा ये होल्स है। यहाँ पे ओपन किया हुआ है, दो पार्ट में यहाँ पे खोपड़ी है, तो रखा हुआ है देखने के लिए। हम लोग फिल्मों में देखते हैं हर जगह, आप यहाँ लाइव देख सकते हैं ह्यूमन स्केल्स को, इंसानी खोपड़ी को। तो ये चीज़ है, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का, जो भी है, जिसे कंकाल कहा जाता है, पूरा स्ट्रक्चर है, जोड़कर बनाया गया है। और ये बिल्कुल रियल है, ऐसा नहीं कि फाइबर है, कोई दूसरी चीज़ से बनाया गया, नहीं, ये रियल है। और ये इंसानी बॉडी है जिसे कंकाल कहा जाता है। आप जब भी आएँ, मौका मिले तो देखें, नहीं तो हमारे वीडियो के माध्यम से हर चीज़ को हम एक्सप्लोर तो करते हैं दोस्तों आपके लिए। तो बिल्कुल इस चीज़ को देखना है और समझना है। चलिए नेक्स्ट हम आ गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे रखा हुआ है शीशा के अंदर में, उसके ऊपर डिटेल्स दिया हुआ है, वीना, ठीक है ना। अब हर चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे पार्ट पार्ट, उसके बारे में बताएंगे, हिस्ट्री पास्ट उसकी, तो वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको एक्सटर्नल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं भी अगर बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ूं समझूं तो बहुत वक्त लगेगा। ये ट्राइबल फॉर्क ज्वेलरीज, ये ट्राइबल लोगों की ज्वेलरीज हुआ करती थी पहले, क्योंकि देखो फैशन तो सभी ज़माने में है, चाहे ट्राइबल हो या कभी भी हो, कोई भी हो, फैशन सभी को चाहिए। ये ट्राइबल्स जो होते थे पहले ज़माने में, उनकी जो ज्वेलरीज है ये काफ़ी कई सदी पुराना है ये। तो ये चीज़ है, ये देखने के बाद पता चलता है कि उस ज़माने में भी लोग एडवांस रहना पसंद करते थे, कुछ अच्छा पहनना पसंद करते थे। अब दूसरे सेक्शन में मैं आ गया हूँ, यहाँ पे पेंटिंग्स मिलेगी आपको, अद्भुत, ये सब पेंटिंग्स है
जो भी पेंटिंग बनाया है उसके नीचे नाम है, एक नेम प्लेट लगा हुआ है और ये सेकेंड फ्लोर पे है। अलग अलग बिल्डिंगें बनी हुई है, अलग अलग सेक्शन है। आपको एक 15 रुपये की टिकट मिलेगी, उस टिकट के अंदर में जिस बिल्डिंग में भी आप जाएंगे वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उसको पंच कर देगा। हर बिल्डिंग में अलग अलग चीज़ें हैं, तो मैं आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ब्रिटिश लोग हैं और उनकी तस्वीर बनाई हुई है, जिनकी भूमिका बहुत रही है हमारे इंडिया में, कहीं ना कहीं उनका इंटरफेरेंस रहा है। तो ये चीज़ है, आप देख सकते हैं पेंटिंग है, ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल फोटो है। अब किसने बनाया, क्या किया, सब कुछ उसके नीचे डिटेल्स दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये पेंटिंग्स है और काफ़ी खूबसूरत है और बहुत बड़ा है ये जो म्यूज़ियम है, बहुत बड़ा है। आप घूम कर थक जाएंगे। अलग अलग बिल्डिंगें हैं और एक जगह नहीं है कि एक हाल के अंदर घुस गए और बहुत सारी चीज़ें आपको दिख गई, नहीं, अलग अलग जाना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ पर हम दूसरे सेक्शन में आ गए हैं और यहाँ पे सब पेंटिंग्स लगी हुई है, उसके बारे में डिटेल्स भी सब दिया हुआ है। आप भी चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है डिटेल्स दोस्तों। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने घर से बैठकर इस पेंटिंग्स को, इस म्यूज़ियम का मज़ा ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा है और घूमने में बहुत मज़ा आया। टिकट भी ज़्यादा नहीं है, हाँ, लेकिन एक चीज़ मुझे अजीब सा लगा। ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग है और इसको भी किसी ने बनाया है। कल्चर को, इंसानी जो हमारी पास्ट गुजरी है उसको रिप्रेजेंट करता है। म्यूजियम में होता क्या है एक्चुअली, यही सब चीज़ें होती हैं। सो ये देखिए, ओल्ड मॉस्क है, कोई मॉस्क है और उस मॉस्क की तस्वीर है। और यहाँ पे ये भी है, अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तमिलनाडु, केरला, ये सब वहाँ की जो ट्राइबल्स लोग हैं उनकी आप तस्वीर देख पा रहे हैं इस वक्त। और बहुत पुरानी ये कल्चर है और परंपरा रही है इस स्टेट्स की। ये कहाँ की है, ये तमिलनाडु की है, तमिलनाडु में ही, चेन्नई के अंदर में ही ये म्यूज़ियम है और तमिलनाडु की ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें केरला का भी है, केरला स्टेट आपको मालूम होगा, केरला भी है, आंध्रा भी है, ये उड़ीसा का है। ये देखिए, ये उड़ीसा का है, ये केरला है जो आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जो मैंने आपको बताया अभी। और ये कहाँ, आंध्रा का है, राइट, ये आंध्रा है। आंध्रा का ट्राइबल लोगों का कुछ पगड़ी है वहाँ, उनकी कुछ बर्तन है, उनका कुछ भाला, तलवार, चाकू, इस तरह का लाइफ को उनको रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं। अच्छी चीज़ है, एक धरोहर होता है कोई भी म्यूज़ियम, देश की विरासत होती है, संभाल के रखा जाता है ताकि हमारे जो जनरेशन है वो देखे। ये देखिए, उड़ीसा की है, जनरेशन, आने वाली जनरेशन देखेगी, उसको एक्सपीरियंस करेगी कि हम 2000 साल पहले, 1500 साल पहले कैसे थे, हमारी कल्चर क्या थी, हम लोगों के जीने की तरीका क्या था। ये फिशिंग अप्लायंस है, ये मछली मारने की जो अप्लायंस है, जो उनकी टूल्स हुआ करते थे, जाल, कैसे, ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है म्यूज़ियम के अंदर में। ये असम ट्राइबल्स के लिए है, वहाँ असम में कैसे उस वक्त मच्छी फिश पकड़ने के लिए जो यूज करते थे, जो भी सामान, उसका हर चीज़ें बताया गया है। ठीक, ये फायर मेकिंग है, जब आग का जब आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले फायर कैसे जलाते थे, कैसे अपने लाइफ को जीते थे, ये सारे इक्विपमेंट है, ये आप देख पा रहे हैं। फायर इसी से बनाते थे, इसी से आग को पैदा किया जाता था, खाना बनाते थे या आग का इस्तेमाल करते थे। तो ये चीज़ें यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं ये, हमारी सोच से भी ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं और आज भी म्यूज़ियम में संभाल के रखा हुआ है और आने वाले टाइम में भी शायद हम लोग रहें ना रहें रह गए। ये देखिए, समुद्र मंथन को कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये लोग, समुद्र मंथन जो हुआ था वही है कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो वही लग रहा है क्योंकि स्नेक भी है इसमें, पहाड़ भी है, हर चीज़ बताया गया है। ये स्टैचूज हैं, सब बॉक्स में थोड़ा थोड़ा सब रखा हुआ है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है, कल्चर्स को, हर चीज़ को। ये देखिए, हम इंसान हैं, पहले की जो हमारी प्रजाति थी, यहाँ से हम लोग कैसे इंसान बने, बंदर से इंसान का रूप में कैसे आए, ये सब चीज़ें हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर आकर देख सकते हैं, नहीं तो हमारे वीडियो के माध्यम से, थ्रू वीडियो तो आपको मिलता ही हर चीज़। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत काम की चैनल है, आपको हर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ
और मुझे बहुत पसंद है और आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, बिल्कुल भूलना नहीं। तो ये चीज़ है, ये म्यूज़ियम को मैंने आपको ये देखे पॉलिटिशियंस है